कितना ही अच्छा होता ना अगर अम्मा और अब्बा हमें भी साथ में ले जाते, हम भी देख लेते दूल्हा भाई को। हाँ, शुक्र करो कि अम्मा अब्बा ने ये तुम्हारी बातें सुनी, वरना इतनी जोर की जूती पड़ती ना कि मजा आ जाता। वैसे दूल्हा भाई हैं तो बहुत हैंडसम, अब्बा को ही पसंद आ ही जाएंगे। मैं कैसे मानूं, मुझे तो तुम लोगों ने तस्वीर भी नहीं दिखाई। तुम कहाँ चली? वो ऊपर छत पे पढ़ाई करने। शाम होने वाली है, अब्बा आएंगे तो बुरा मानेंगे, उन्हें वैसे तुम्हारा छत पे जाना पसंद नहीं है। मुझे तो लगता है अम्मा अब्बा को वैसे ही मैं सिरे से नापसंद हूँ, बल्कि कभी कभी तो लगता है कि मैं उनकी सगी औलाद ही नहीं हूं। हर बात को मुश्किल बना देती हो, तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर बात का पतंगड़ बनाना होता है। तुम्हें भी तो हर बात पे डांटना होता है। अच्छा, अगर इजाजत हो उस्तानी जी की तो मैं पीछे सहन में जाके पढ़ लूं, तब तो नाराज नहीं होगी। जाओ, और फाइनेंस का पेपर है ना, ये आप लेके जाओ अपनी। शुक्रिया।